नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखन सिंगला ने कहा, कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है पूरा मान सम्मान। डेबिट कार्ड का क्लोन तैयार कर लोगों के खातों से पैसे उड़ाने वाले गिरोह का थाना साइबर पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों से बरामद किए 1,93,000 रुपए। पिछले 5 साल के पॉक्सो, रेप और छेड़छाड़ के आरोपियों की कुंडली तैयार कर उन पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। गुरुग्राम में एयर होस्टेस की नौकरी के नाम पर नशीला पदार्थ पिलाकर लड़की के साथ किया रेप, दोस्तों को भी बनाना चाहता था शिकार। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। असम कांग्रेस की मांग, प्रियंका गांधी दोबारा करें चुनावी राज्य की यात्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने, सावरकर को भारत रत्न दिलाने पर हो रही है सियासत। ट्रांसजेंडर समुदाय को रक्तदान से रोकने पर केंद्र सरकार को मिला सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। गौहर खान के पिता का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। तांडव केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, यूपी सरकार को भेजा नोटिस। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। ऋषभ पंत ने छक्के के साथ भारतीय धरती पर ठोका अपना पहला टेस्ट शतक, खेली दिलकश पारी। सानिया मिर्जा को कतर ओपन 2021 में सेमीफाइनल में मिली हार। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस ने भारत और चीन के बीच समझौते का किया स्वागत, शांति से मसला सुलझाने की जताई उम्मीद। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित जगह। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और देखते रहें न्यूज़ एनसीआर।